धनवान भक्ति रे दुनिया में रे कोई दानी ना रहा है ना लाखा के मचोट करनिया का मन हुआ करता है। पहली बात में जिक्र किया राजा हरिश्चंद्र का, क्या लिख लिया हो मने सुनया से हरिश्चंद्र ने राज दे दिया दान में, तीन वचन तन मन धन और सिर ताज दे दिया दान में, सारंगी मन का बाजा साज दे दिया दान में, घने दिना की बात नहीं जनो आज दे दिया दान में, घने दिना की बात नहीं जनो आज दे दिया दान होंगे जो अपने बेटी को स्वयं अपने हाथों से चीर सकते होंगे, ऐसे ऐसे दाने इस धरती पर हुए, क्या जिक्र किया दूसरी बात में। तेरे दूजा भगत मोर धज प्यारा जो पैदा हुआ दुआ कृष्ण अर्जुन यमराज उतरे थे दानी के घर में, राजा रानी हद कर के एक आरा ठालिया था कर में, बज्जर कैसी छाती करके देख दिया सुत के सिर में, ओ बज्जर कैसी छाती करके देख दिया सुत के सिर में, ओ लाखों के मैं।
होते हैं, मेंबर पंचायत के जो चौधरी होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो आजकल के कैसे हो गए, उनके बारे में जिक्र कर दिया। क्या लिखा? मेंबर और पंचायत चौधरी सरपंच गांव के भर बैठे, बेईमाने का बेईमाने का दरब लूट के महल बावड़ी चिर बैठे, सीधे हर्फ भूल गए पढ़ना, उल्टे अक्षर गिन बैठे, मेल जोल और प्रेम रहा ना, घोट बीमारी जन बैठे, चंद इस भूमंडल परचार करने आए थे, मुगलों के गुलाम क्षत्रिय पोपे ने करवाए थे, लंदन आले गोरों ने यहाँ लोग बानिए लाए थे, भारत के गद्दारा ने खुद जाके चीन चढ़ाए थे, वो भारत के गद्दारों ने खुद जाके चीन चढ़ाए थे। समझ रही पिया लाभ
समझ रही थी औलाद हारी तेरी मैं, हारी तेरी मैं, और घाट पे समझ गया सारी हारी तेरी मैं, हारी तेरी मैं, जो तू जमा रहती हारी तेरी मैं। प्रार्थना करी थी कि मैंने कई रोज से अन्न नहीं खाया, ना कोई वस्त्र ग्रहण किया है, लेकिन आपने हमारी कोई मदद नहीं करी। आज किस रिश्ते नाते से मैं आपकी मदद करूं ये तो बताइए महाराज। हाँ, दूर से मैंने आपको पहचान लिया था। हाँ, लगा कि सामने मेरे पिया जी खड़े हैं, मेरी कुछ धीर बताएंगे, मेरी मदद करेंगे। हाँ, लेकिन आपने तो एक नया इतिहास रच के खड़ा कर दिया महाराज। बिल्कुल, ये पहले इतिहास आपने रचा है। मेरे बेटे का मुझे दाह संस्कार करना नहीं हो सकता, पहले स्वर प्रखर चाहिए। वास्ता देने वाली, रिश्ते नाते निकालने वाली, बार बार मुझे मजबूर करने की कोशिश मत कर। मैं बिना कर दिए यहाँ तुम्हारे मुर्दे का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा, पहले मुझे कर चाहिए महाराज। हाँ, आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बेटे की लाश को केलों के पत्ते से ढका हुआ है महाराज। मेरे बेटे को तो कफन भी नसीब नहीं हुआ है, मैं 100 रुपया आपको कहाँ से ला के दूं महाराज? सुनिए, सभी बढ़ा स्वर पे सम्मान करते हैं, बार वंदन करते हैं। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं, अरे घाट पे समझ गया सारी हारी तेरी मैं, हारी तेरी मैं, वो तू जमावे पिया हारी तेरी मैं।
मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों, समय का बड़ा अहम वक्त, क्योंकि जीवन में एक माता पिता के प्रति बीच में अपने बच्चे की लाश पड़ी है, वो अपने सत्य धर्म को बचा रहा है, वो अपने धर्म को बचा रही है, वो अपना फर्ज निभा रही है। आइए साथियों, अंतिम बात के माध्यम से किस प्रकार से जब सौ रुपए के बदले में एक रुपए में उसका सर का चीर लेता है और चार आने में गले की कंठी ले लेता है, तो क्या हालात गुजरते हैं, क्या लिख दिया, क्या बता दिया। उसी धारा रही है तू, वो धारा रखे परमेश्वर, उसी धारा रही है तू। मेरे सब पर जाके खटक लाग जा, ऐसे छंद भरी है तू, वो नहीं पति गुरु धाम जय करण है हर तम सीझ गई है तू, वो नहीं पति गुरु धाम जय करण है हर तम सीझ गई है तू। शरण दास जानू सेवा, शरण दास जानू सेवा, ठाणी तरी मैं, ठाणी तरी मैं, और घाट पे समझ का सारी ठाणी तरी मैं, ठाणी तरी मैं, जोर को जमावे पिया ठाणी तरी मैं। खोड़ी वाले ओ मेरे हे बाबा मोहन राम, श्याम जग मालिक तू ही जखोड़ी वाले मेरे बाबा मोहन राम, श्याम जग मालिक तू ही जखोड़ी वाले मोहन राम, साम जग मालिक तू ही। पर्वत ऊपर बनया हुई अरे तेरा मंदिर आलीशान, पर्वत ऊपर बना हुआ तेरा मंदिर आलीशान, हे पर्वत ऊपर बनया हुई अरे तेरा मंदिर आलीशान, पर्वत ऊपर बना हुआ तेरा मंदिर आलीशान, हे नंगे पैरों दर पे तू ही जखोड़ी वाले मेरे बाबा मोहन राम, साम जग मालिक तू ही। जो भी सही भावना लेके हो, जो भी सही भावना लेके आया तेरे धाम, जो भी सही भावना लेके आया तेरे धाम, जो भी सही भावना लेके आया तेरे धाम, जो भी सही भावना लेकर
तुही तुही जंगोली वाले रे बाबा मोहन राम सान जग मालिक तुही तुही जब जब भीड़ पड़ी भगतों पैर बचाई लाज जब जब भीड़ पड़ी भगतों पैर बचाई लाज ओ जब जब भीड़ पड़ी भगतों पैर बचाई लाज जब जब भीड़ पड़ी भगतों पैर बचाई लाज ओ गिरा चीर के तुमने भगवान गिरा चीर के तुमने भगवत बचा लिया कपिराज ने छोड़ी मारे रे बाबा मोहन राम सब जग मालिक तुही तुही जय छोड़ी मारे रे बाबा मोहन राम सब जग मालिक तुही तुही ओ बाजी बाजी रे मुरलिया तेरी शाम ओ तिलक पुरकारी छोड़ी जतन मनोज कारना बाबा ओ जतन मनोज कारना भजन करे सुबह शाम जतन मनोज कारना भजन करे सुबह शाम ओ जतन मनोज कारना भजन करे सुबह शाम जतन मनोज कारना भजन करे सुबह शाम कभी खटाना रामेश्वर पे कभी खटाना रामेश्वर पे प्रधारी तेरा हाथ जे कोई मारे रे बाबा मोहन राम श्याम जग मालिक तुही तुही जे कोई मारे रे बाबा मोहन राम श्याम जग मालिक तुही तुही 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 बोलिए खोली वाले की ओ मरुमा वतड़ा दो ये बे बदला दो ये
घर में बच्चा कट जाने से कल को सब सीखू रखे तीन कदम हट जाने ते घर को सब सीखू रखे तीन कदम हट जाने ते की होगी रात अर्जुन इस रण में जब ये जंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो पता मुख से तू मैं कार हार कोई काम नहीं किया। अरे इतने बहुत बड़ा काम कर दिया तेरी नजर में नहीं किया। मेरी नजर में तो इस करण ने कुछ भी नहीं किया महाराज। अच्छा मैंने इसका सात सात कदम पीछे रथ फेंक दिया है। लेकिन तू फिर क्यों घबरा रहा है? ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? घबरा तो आप रहे हो महाराज। अच्छा मैं तो लड़ रहा हूँ खुद युद्ध में। लड़ रहे हो? हाँ जी लड़े जाते ठीक है। वो करना नजर में मेरी काम किया जबर नहीं सबसी की धवनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं सुनूंगा जरूर अब बिना सुने सावे नहीं सुनूंगा जरूर अब बिना सुने सबर नहीं वो थोड़ी सी चुनाव अर्जुन थोड़ी सी चुनाव अर्जुन मान को घटाता करण पता नहीं कौन रण में मान को चटागा करण तीन लोग तीन कदमे न हटागा करण तीन लोग तीन कदमे न हटागा करण हो बाण मारे भरे के जो तीन लोग तीन कदम पीछे हटा दिए। हाँ लेकिन महाराज ये तो एक कारण है अगर ऐसे ऐसे सौ करण भी आ जाए ने अच्छा कुंती पर अर्जुन के सामने डट नहीं सकते। तू पूछना चाहता है ना? हाँ जी तो सवाल कर तेरी आंखें खोल देता हूँ आपकी। सुन ले बात का हृदय में धरू बदिया न दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं दिया न दिखाई कुछ भी कैसे मैं
दिखा दूं? बिल्कुल। जो तेरे रथ की ये बुर्जी हनुमान का झंडा है। बिल्कुल महाराज, बहुत बड़ा बलकारी है हनुमान जी महाराज, छोटा मोटा योद्धा नहीं है। और शेष नाग तेरे रथ के पहियों में है। बिल्कुल है महाराज। और जो सबसे बड़ी शक्ति और बताऊं, सुन ले मेरी बात गौर से, बल उसका भी झाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों पे फिर भी रथ उखाड़ दिया, तिलक मेरे मुंह के अंदर मुख सना फाड़ दिया, तिलक मेरे मुंह के अंदर मुख सना फाड़ दिया, वो देख के खून गया अर्जुन। कहिए महाराज, अभी तेरी बात समझ नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई महाराज। हाँ, जो ये करण बलि है वास्तव में ही योद्धा है। इस करण बलि से महाराज मेरी कैसे ना कैसे करके जान बचाई आप। अभी तो 100-100 करणों को मार रहा था, आपके एक थी घबराएगा तू? वो तो महाराज अज्ञानता में कह दी थी मैंने। अच्छा। हाँ जी, अज्ञानता में कह दी थी। बिल्कुल। तो देख ले इस करण को, जिसने तेरे इस रथ के ऊपर हनुमान की झंडी है, रथ में, रथ के पहियों में शेषनाग का पैरा है, और तेरा गजवाड़ा जो बैठा है उसके मुंह में तीन लोक का वास है। बिल्कुल महाराज, इतनी बड़ी शक्ति को पीछे हटा दिया, चुको मामूली योद्धा समझ रहा तू? बिल्कुल योद्धा है महाराज। इस करण से मेरी जान बचाए। जान बचाऊं? और मुझे जीत का भी मार्ग बताए कि कैसे जीते आगे। चल बता दे, तुझे बताऊंगा। तो प्रभु जानते हो हाल जान, माया का रचा तो प्रभु, भूलो ना अरे भूलो ना सब जान मेरी, करण ते बचा तो प्रभु, भूलो ना सब जान मेरी, करण ते बचा तो प्रभु, ओ जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बाप क्या शर्म की होगी, ओ नटल सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी, नटल सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी, ओ रे चित चिंता रे मे
पर इतने जीओ से Yeah!
झुकेगा धर्म राज के नारे जा मैं किली जी नाना चारी चारी सारी पर जा मुसलमान हो जार लाडे ने इसमें के हर जा हो बेटा इसमें के हर जा अरे फांसी लगे ते बेटा मर जा चारों भूत अंधेरा इतने से पैसे लगे हो चोगी और तेरा रे बेटा हो चोगी सास गुरु का और चमत्कार हीरे दे में हो तो सब पर काश गुरु का हो सब पर काश गुरु का फिर पीड़ा पर करे ना चाहवे तो कर विश्वास गुरु का और बालक बने थे सेवा कर फिरु बन गया दास गुरु का फिरु बन गया गुरु का अरे बड़ी रे मिलत में पास गुरु घर के कतारी हो वो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के कतारी हो वो पत्थर के भी टुकड़े पत्थर के भी टुकड़े ठीक विरानी हो वो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के कतारी हो वो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के Oh,
भगत कैलापुरी में नारद जी चले आए थे, शिव शंकर कहीं गए हुए थे, मौका चोखा पाए थे, सैर सुता न बात बिठा के न्यू समझावन लाए थे, अमर कथा मेरे याद नहीं न्यू कह के बात लाए थे, अमर कथा मेरे याद नहीं न्यू कह के बात लाए थे। चलो वीर मर्द में फूट पड़े, वीर मर्द में फूट पड़े, होता तुम बखानी हो गए नहीं बस दुनिया में इस घर के दूसरी बात के माध्यम से, जहां भाई भाई में प्यार नहीं होता वो परिवार अच्छा नहीं होता, क्योंकि पंपापुर के अंदर बाली और सुग्रीव दो भाई हुए थे, एक भाई ने दूसरे भाई का बुरा चाहा, भगवान श्री राम के हतवंत हुआ। आइए दूसरी कली के माध्यम से कई मदद की बात, भाई पंपापुर के बीच नीच भट बाली बलदाई कहते, रोमा घर में खाल दईवा राजा अन्याई कहते, हाथ पकड़ कर बाहर काढ़ा सुग्रीव सगा भाई कहते, तिरमुख पर्वत पहुंच गए उड़ा मिल गए रबराई कहते, माध्यम से बता दिया साथियों कि महाभारत के अंदर मामा शकुनी की सीख में आ गया दुर्योधन अहंकारी और बहुत बड़ा महाभारत रचवा दिया, किस प्रकार से द्रौपदी के साथ व्यवहार किया, क्या बता दिया, क्या किया। भाई कौरव पांडव खत्म करे रहे, कौरव पांडव खत्म करे आपस की फूट बीमारी ने, दुर्योधन ने पूरी विचारी उस पापी अहंकारी ने, सभा बीच मेरे नगन करे था लाके द्रुपद नारी ने, उस दुखिया की लाज बचाई आके कृष्ण मुरारी ने, उस दुखिया की लाज बचाई आके कृष्ण मुरारी ने। आइए साथियों अंतिम बात के माध्यम से बताया कि जब उस रावण ने देखा कि लक्ष्मण ने जब सुपर्णा की नाक काटी तो लक्ष्मण ने सीता माता का ही हरण कर लिया,
आइए साथियों अंतिम बात के माध्यम से क्या बता दे, क्या लिख दिया? अरे सुपन खां की रे शिक्षा लगी उस रावण दस गांधर के, सीता जी ने हड़के ले गया भाव बदल के अंदर के, सोने की लंका जड़वा दी जो बस्ती बीच समंदर के, नंदलाल कह शिष मान सिंह के गुण वर्ण उस बांदर के, नंदलाल कह शिष मान सिंह के गुण वर्ण उस बांदर के, एक चुगल खोर चुगली कर दे, चुगल खोर चुगली कर दे, पोता यानी जाली हो घर नहीं बसे दुनिया में घर के चटानी हो, घर नहीं बसे दुनिया में घर के चटानी हो, पत्थर कभी टुकड़े कर दे, पत्थर कभी टुकड़े कर दे, होता तीर बिराड़ी हो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के चटानी हो, घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के चटानी हो। अरे सज के चली बरात पहुंच गई, सजनो गाँव भिडोकी में चढ़क से पहले सभी बराती करे आराम भिडूकी में हो, वो सज के चली बरात पहुंच गई सजनों का भिडूकी में, चढ़क से पहले सभी बराती करे आराम भिडूकी में हो, एक और ने बुजुर्ग थे कई
वासा हृदय में करियो उमा तेरी गाथा गाओ भव से पार तू करियो माँ तेरी गाथा गाओ भव से पार तू करियो सुर्खी देवी हंस वाणी वासा हृदय में करियो माँ तेरी गाथा गाओ भव से पार तू करियो माँ तेरी गाथा गाओ भव से पार तू करियो तेरी का धागा भव से पार तू करियो